स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आशय एजुकेशन हब मानसून की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी योगशील योगात्मक संयोजन संयुग्मन। इसका अपन ने एक प्रयोग भी किया था। प्रयोग में अपन ने पढ़ा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको जल से भरे हुए पात्र में बीकर में डाला गया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक एकल उत्पाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ हमें ऊष्मा भी मिलती है। यहाँ ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है जल, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कल अपन ने ये पढ़ा था। यहाँ इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए ये क्या थी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या थी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ यह उदाहरण जो है किसमें भी काम आ सकता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा निकल करके आ गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समीकरण दी हुई है और फिर पूछा जाए कि इसमें ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की पहचान कीजिए, तो उसके लिए हम देखेंगे उत्पाद के साथ में प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है, इसका मतलब ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और ये अभिक्रिया जो है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यदि यहाँ माइनस हो तो वो हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यहाँ उत्सर्जित हो रही है। ऊष्मा शोषी में क्या हो जाएगी, शोषी शोषण अवशोषण, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जबकि यहाँ ये संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ में ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसका सामान्य नाम क्या है, भुजा हुआ चूना, भुजा हुआ चूना, इसका हम उपयोग किसमें करते हैं, मकानों पर सफेदी करने में। इसमें कहते हैं मकानों पर सफेदी करने में, मकानों पर सफेदी करने में इसका उपयोग करते हैं। जब इसका मकान के ऊपर सफेदी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वायुमंडल की CO2 के साथ में मिल करके, यानी कि वायुमंडल में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, किससे क्रिया करता है, कौन, भुजा हुआ चूना, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ये इसके साथ में क्रियाकल्प करता है और एक चमकदार परत बना लेता है। CaCO3b ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये सफ़ेद चमकदार पतली परत बन जाती है जो हमें चमकीली दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है ये बन रहा है। अगर क्वेश्चन आए खड़िया पत्ता संगमरमर चूना पत्ता मार्बल सफेद पत्थर सभी में अगर क्वेश्चन में आए और पूछा जाए का रासायनिक सूत्र लिखिए तो सभी का सूत्र होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इन सभी का सूत्र होता है, इसी से ये चमकदार दिखाई देता है। इसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है। जल यहाँ देखो ये जो अभिकारक हैं मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाता है, जल का निर्माण होता है। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कार्बन का दहन, कार्बन सी का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ये बन रहा है CO2। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन आए इस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर इसका दहन हो रहा है, इसका दहन हो रहा है, यहाँ दहन से ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, इसके साथ साथ संयोजन के साथ साथ में ये ऊष्मा छिपी भी है, इसका भी दहन होगा तो ये भी संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अब इस संयोजन अभिक्रिया में हम दो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया प्रक्रिया के दौरान, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा भोजन जो है उसका पाचन होता है, पाचन होता है उस समय श्वसन क्रिया जो हम करते हैं। देखो यहाँ श्वसन और पाचन दोनों प्रक्रियाएं अलग हैं। ये श्वसन है श्वसन तंत्र के द्वारा करते हैं, पाचन है पाचन तंत्र के द्वारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। हम भोजन जो ग्रहण करते हैं उसमें हमारे पोषक तत्व जो हैं उनका रासायनिक अपघटन होता है। जब उनका रासायनिक अपघटन होता है, अवयव जो है उनका रासायनिक अपघटन होता है, सरल छोटे छोटे अणुओं में अपघटित होते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। अब ये अपघटित होते हैं उस दौरान जब वो पाचन प्रक्रिया होती है, उस दौरान श्वसन प्रक्रिया है वो भी उसमें काम में आती है, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने पढ़ाए भोजन को हम ग्रहण करते हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए, इसके लिए ऊर्जा प्राप्ति के लिए। यहाँ क्वेश्चन आए कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यदि हाँ तो समझाइए।
हाँ, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि जब पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ऊर्जा हमारे शरीर में, भाई जब अपघटन होता है ग्लूकोज के अणु के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज की जो ग्लाइकोजन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया, उस दौरान हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊर्जा यानी ऊष्मा, ऊर्जा जिससे प्राप्त होती है, ऊष्मा जिससे प्राप्त होती है, वो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसलिए श्वसन जो है वो भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार साग सब्जी जो है, वनस्पति के अपशिष्ट जो है, वो भी अपघटित होकर के खाद, कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं। कंपोस्ट खाद बनती है, उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। आज इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।